सलाम अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। शहर हैदराबाद हबीब नगर पुलिस स्टेशन हुदूद मल्लेपल्ली इलाके के फुटपाथ पर 6 दिन कबल यानी 4 फरवरी को एक शख्स के सर पर पत्थर से वार करके उसका कत्ल कर दिया था। उस बेरहम को हबीब नगर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे अपने शिकंजे में दबोच लिया। इस बदमाश की गिरफ्तारी पर आज ACP राम भोपाल राव ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की, जिसमे ACP ने मीडिया से मुखातिब होकर इस केस की तफसीलात बयान की। शहबाज बाबा के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। फोर्थ का दिन हबीब नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक बैगर एज अबाउट 35 ईयर्स बैगिंग करने वाले को मर्डर हुआ था। उस बारे में SHO हबीब नगर संजय कुमार टीम्स बना के वो जिस फुटेज का मुताबिक जो CCTV कैमरा में फुटेज है उसका मुताबिक एक टीम 2-3 टीम फॉर्मेशन करके उनको पकड़ने के लिए भेज दिया था। इस दौरान कल इनको हमने कस्टडी में लेकर दारू सलाम का पास उनको कस्टडी में लेकर पूरा डिटेल इंक्वायर किया है। ये बेंगलुरु का निवासी है, इन्हें बेंगलुरु में रहने टाइम पर 3-व्हीलर ऑटो चलाता था और फैब्रिकेट वर्क भी करते बोल रहे हैं। ये पूरा हम इन्वेस्टिगेशन करने का बेंगलोर बेच के पूरा इंक्वायर करने का है। यहाँ कोई रिलेटिव से साहब इसके यहाँ? इसका कोई रिलेट नहीं है, ये इनका हमारा जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसका मुताबिक इन्हें घर में गड़बड़ करके बाहर इसको भेज दिया है, घर से भेज दिया है। बेंगलोर से हैदराबाद इधर उधर लापता घूम रहे हैं, 6 महीने से हैदराबाद में उधर इधर दिखाया बढ़कर मालूम हो रहा है। इसको मारने की वजह क्या? इनको इनका पास कुछ पैसे रहते बोल के इनको लाविशली स्पेंड करने आदत है। बगैर को उनका पास पैसा रहते बोलकर उनको ऊपर सिर के ऊपर पत्थर डाला था, तब उनको चेक करे तो हार्डली 630 रुपीज़ उनका पास मिला था। कोई मेंटली कुछ है साहब इन्हों? इन्हें मेंटली है, वो इन्वेस्टिगेशन का चालू कर रहे हैं अभी। राइट नाउ इज़ ओके, और हो सकता है कभी कभी इससे भी वो उसका बारे में हम प्रीवियस केस सब उसका कुछ उसका प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है ज़्यादा तक, वो भी इंक्वायर कर रहे हैं। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं MS अली।